होस्ट प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ फिल्मी अड्डा पर। जी हाँ, फिल्मी अड्डा पर एक बार फिर से आप लोगों के बीच लेकर आ गई हूँ आपका स्पेशल प्रोग्राम, जहाँ पर आज बात करेंगे बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस, जी हाँ, शिवाना आजमी को लेकर। शिवाना आजमी जो कि अपनी एक्टिंग और अपने करियर की वजह से चर्चाओं में रहती हैं, अपने दौर की बेहद ही फेमस टैलेंटेड एक्ट्रेस में से एक मानी जाती हैं। लेकिन इसी के साथ साथ शिवाना आजमी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही हैं। आप लोग शिवाना आजमी की जितनी भी फिल्में देखी हैं उनके बारे में आप सभी जानते ही हैं, किस तरीके की एक्ट्रेस हैं वो, किस तरीके के रोल निभाना उन्हें पसंद है और अभी तक बॉलीवुड में कितनी सारी उन्होंने सुपरहिट फिल्में दी हैं। लेकिन इन सब के अलावा आज हम पर्सनल, जी हाँ, शिवाना आजमी की पर्सनल लाइफ पर बात करेंगे, यानी कि उनकी निजी ज़िंदगी के साथ जुड़ी कुछ स्पेशल बातों के बारे में यहाँ पर खुलासा करेंगे। शिवाना आजमी ने शादी की है जावेद अख्तर से। जी हाँ, जावेद अख्तर जो कि फिल्म इंडस्ट्री के एक बेहतरीन लेखक के तौर पे जाने जाते हैं, तमाम उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में लिखी हैं और जावेद के साथ साथ शिवाना भी एक सफल एक्ट्रेस के तौर पर मानी जाती हैं। इन जो दोनों की जोड़ी काफ़ी लाजवाब है और बॉलीवुड की टॉप, जी हाँ, बॉलीवुड की टॉप अच्छी जोड़ियों में से एक मानी जाती हैं। लेकिन अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें शिवाना की, तो उनके पति जावेद अख्तर के साथ उनके रिश्ते तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन शिवाना आजमी आज के समय में एक ऐसा सुख है जो वो बिल्कुल उन्हें नहीं मिल पाया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शिवाना आजमी के माँ बनने का। बता दें आप सभी लोगों को, शिवाना आजमी और जोया अख्तर ने 1984 में शादी की थी। 1984 में शादी करने के बाद ऐसा क्या हुआ कि शिवाना आजमी आज तक अपने खुद के बच्चों की मां नहीं बन सके? वैसे तो देखा जाए तो शिवाना आजमी जावेद अख्तर की दूसरी पत्नी है। जी हाँ, उनकी पहली पत्नी हनी ईरानी थी, लेकिन उसके बाद जावेद ने शिवाना आजमी के साथ शादी कर लिया। कहने को तो देखा जाए तो फरहान अख्तर और साथ ही जोया अख्तर, ये भी शिवाना आजमी के ही बच्चे कहला सकते हैं, लेकिन शिवाना ने खुद शादी के बाद अपनी खुद की संतान क्यों नहीं लेकर आई? जी हाँ, क्यों आखिरकार शिवाना आजमी के खुद के बच्चे नहीं हैं? ये सवाल हर किसी के जहन में आता है। लेकिन जब मीडिया में इंटरव्यू के दौरान शिवाना आजमी से इन सवालों को लेकर उनसे जवाब मांगा गया, जब उनसे सवाल पूछे गए, तो शिवाना आजमी ने बहुत ही खूबसूरती के साथ इन सवालों का जवाब दिया। तो चलिए आपको दिखाते हैं, आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि किस तरीके से शिवाना आजमी से जब उनसे जुड़ी, उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी, उनकी निजी ज़िंदगी के साथ जुड़ी इस सवाल के बारे में पूछा गया, इस सवाल का जवाब मांगा गया, तो क्या कहा शिवाना आजमी ने। शिवाना आजमी को जाने माने स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर से प्यार हो गया और उस समय जावेद पहले से ही शादीशुदा थे, दो बच्चों के पिता भी थे, पर अख्तर को शिवाना से प्यार हो गया और जावेद ने अपनी पहली बीवी को तलाक देकर शिवाना से शादी की। दरअसल में जावेद साहब की मुलाकात शिवाना आजमी से उनके पिता के घर पर हुई। जावेद अख्तर वहां कैफी आजमी से कविताओं की शिक्षा लेने जाया करते थे। इस तरह धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे से प्यार भरी बातें करना शुरू कर दिया, लेकिन जावेद की शादीशुदा होने की वजह से शिवाना उनसे दूरी बनाकर रखना शुरू कर दी और उनकी मां भी इस शादी के खिलाफ थी। लेकिन साल 1978 में पहली बीवी से तलाक के बाद कैफी आजमी बेटी की शादी के लिए तैयार हो गई। इस तरह 6 साल के लंबे रिश्ते के बाद साल 1984 में मुस्लिम रीति रिवाज से शिवाना आजमी और जावेद अख्तर ने शादी कर ली। साथ ही आपको बता दें कि शिवाना मेडिकल प्रॉब्लम के चलते कभी मां नहीं बन सकती थी, पर उन्होंने फरहान अख्तर और जोया अख्तर को अपने बच्चों की तरह हमेशा प्यार किया। जी हाँ, और शिवाना आजमी को फरहान और जोया ने कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो उनकी सौतेली माँ हैं।
शबाना आजमी को मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से मां ना बनने का कभी भी इन्हें सुख प्राप्त नहीं हो पाया। वहीं अगर शबाना आजमी के करियर की बात करें तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत से लेकर अभी तक कई सफल फिल्मों में काम किया है और उनकी एक्टिंग के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार भी हासिल हुआ है। लेकिन अगर उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो शबाना आजमी के लिए ये एक ऐसा दुख है जो कि शायद ही वो कभी भूल पाती हैं और हमेशा शबाना आजमी के खुद के बच्चों की मां ना बनने को लेकर के कई बार अलग अलग सवाल खड़े होते रहते हैं। तो देखा आप सभी लोगों ने, जी हाँ, और इस वजह से शबाना आजमी ने कभी भी अपनी खुद की संतान की इच्छा जाहिर नहीं की। खैर, आज अपने पति के साथ और अपने दो बच्चों के साथ, जो उनके खुद के भले ही नहीं है, लेकिन हाँ, वो दोनों ही बच्चे यानी फरहान और जोया दोनों ही अपनी माँ, सौतेली माँ यानी कि शबाना आजमी को बेइंतहा प्यार करते हैं। उन्हें ये महसूस ही नहीं होने देते कि वो उनके बच्चे नहीं हैं। खैर दोस्तों, हम बॉलीवुड के गलियारों के साथ बॉलीवुड के गलियारों में से ऐसी खबरें, ऐसी ही जानकारियाँ आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, ताकि खबर 80 के दशक की हो या फिर अभी की, आपको उन सब से, उन सब के साथ जुड़ी अलग अलग जानकारियाँ, अलग इन्फॉर्मेशन आपको हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए, हमारे चैनल फिल्मी अड्डा के ज़रिए आप सभी तक पहुँच सके। खैर, आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल फिल्मी अड्डा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि लेटेस्ट अपडेट और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।